गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल माय लवली वर्ल्ड। और आज का वीडियो है मेरा लिपस्टिक हॉल पे। एंड ये मैंने 2-3 मंथ्स बैक लिपस्टिक्स ली थी, बट नायका में ये डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बट क्योंकि कोई यूज नहीं था, आप लोग ले नहीं पाते, बट अभी डिलीवरी उसकी स्टार्ट हो गई है। सो मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया है। एंड होप सो आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो, ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ना ले, और अपना जो भी सामान बाहर से आ रहा है एक स्पेस बना ले जहां आप उसे सैनिटाइज कर सके। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, हम लोग एक स्पेस बना रहे हैं बिकॉज जो ऑर्डर पहले प्लेस किए थे वो अगेन रिज्यूम हो रहे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग ये हॉल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट लिपस्टिक है वो है लैक्मे ब्रांड से, उनका लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर इन शेड म्यूट ट्विस्ट, 30 नंबर कलर है इसका। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है, 295 रुपीज की है ये लिपस्टिक एंड 5.6 ml इसकी क्वांटिटी है, जो कि प्रिटी गुड है। एंड ये लिपस्टिक आई थिंक सो 8 मंथ्स बैक न्यू लॉन्च था उनका, और ये बहुत अच्छा शेड लगा मुझे। लिक्विड फॉर्मुलेशन है इसका, लिक्विड मैट, और जो कलर है ना वो वार्म ब्राउन न्यूट सा कलर है। सो काइंड ऑफ ऑरेंजिश टच दे रहा है एंड ब्राउन कलर है, न्यूट में बहुत अच्छा कलर है। सो ये न्यूट कलर हर स्किन टोन के लिए, एंड ये बहुत ही लाइट वेटेड है बिकॉज एंड बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आई थिंक 30 या 35 सेकंड्स में ड्राई हो जाता है लिप्स पे, जो भी आपके लिप्स में बहुत लाइट वेटेड रहेगा तो जितने भी आपके क्रैक्स रहेंगे या ड्राई लिप्स रहेंगे तो वहां जाके सेटल डाउन नहीं होगा। तो ये इस बजट में 295 रुपीज में, लाइक अंडर 300 में, मुझे वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक लगी एंड बिल्कुल भी ड्राइंग फॉर्मूला नहीं है इसी का। मैं आपको सेकंड शेड बता देती हूँ, दिस वन इज न्यूड पिंक एंड ये काइंड ऑफ पिंकिश सा शेड है, एंड ये भी बहुत अच्छा शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड। सो ये अभी आपको ऐसा डार्क दिख रहा है बट जब ये सेटल डाउन हो जाता है, आई मीन टू से जब ये ड्राई हो जाता है ना, तब इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। एंड ये बहुत प्यारा कलर है अगर आप कोई न्यूट कलर ढूंढ रहे इन अ पिंकिश टोन, बिकॉज ब्राउन में हमें मिल जाते हैं, कैन गो फॉर दिस वन। लिप में जाके, लिप्स में जाके बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। मैंने अभी यही यूज किया है एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इसमें एलोवेरा है, सो काइंड ऑफ ये लिक्विड लिपस्टिक है बट आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेगी। सो जो मेरी थर्ड लिपस्टिक है वो है मेबेलिन ब्रांड से, सो इट्स मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे इंक रॉयल लिपस्टिक, और जो इसका शेड है वो है लिव ऑन द एज। मोस्ट अनोइंग थिंग जो मुझे लगी है इसमें कि उसका शेड यहाँ पे इन्होंने इतना छोटा सा लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, आई डिडंट गेट इट, बट ओके। ये लिपस्टिक मैंने ली है, शेड इसका लिव ऑन द एज है। सो ये ऐसे है क्रेयॉन लिपस्टिक, शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, प्राइस एंड ऑल भी मैं आपको बता देती हूँ। सो ये काइंड ऑफ डार्क रेड कलर ऑन द ब्राउन साइड, तो मतलब ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है एंड हर स्किन टोन पे ही अच्छा लगता है, ये ऐसा कलर है। तो ये ऐसी क्रेयॉन है और अच्छा खासा इसका क्वांटिटी है। तो जिसका प्राइस है वो है 599 रुपीज, आई गॉट इट फॉर अराउंड 479 रुपीज। 1.2 ग्राम का प्रोडक्ट है ये, मुझे काफी अच्छा लगा। जो फॉर्मुलेशन है वो क्रीमी मैट है, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा लिक्विड मैट लिपस्टिक्स पहले खरीदती थी बट नाउ मैं बुलेट लिपस्टिक्स, क्रेयॉन लिपस्टिक, काइंड ऑफ क्रीमी मैट, सेमी मैट, उसमें भी ध्यान दे रही हूँ बिकॉज जब आपके लिप्स बहुत ज्यादा टॉन होते हैं तो आप ये वाले लिक्विड मैट लिपस्टिक्स नहीं लगा पाते, भले आप कितना भी लिप बाम लगा ले। तो आपके कलेक्शन में ऐसे लिपस्टिक्स भी होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन इसका बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा था नेट पे कि 6-7 और इसका फॉर्म 6-7 और इसका स्टेइंग पावर है। एंड मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, स्लीक सी सिंपल सी पैकेजिंग है। मेबेलिन की सुपर स्टे इंक में ही वो लिक्विड लिपस्टिक भी आती है जिसका कि बहुत बूम था, और उसके काफी शेड्स कुछ अच्छे भी हैं, मुझे काफी अच्छी लगी बिकॉज मुझे ब्राउन एंड ऑरेंज काइंड ऑफ शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड प्लस ये ड्राई आउट नहीं करेगी आपके लिप्स को, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो उसके बाद जो लिपस्टिक है वो है निक्स प्रोफेशनल मेकअप की लॉन्जरी लिक्विड लिपस्टिक, तो दिस वन इज इन द शेड एक्सोटिक। एक्सोटिक इसका वन ऑफ द बेस्ट शेड्स में से आता है, काफी लोगों ने वो शेड की काफी तारीफ की है। एंड जो इसका प्राइस है वो है 650 रुपीज एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 488 रुपीज, मुझे थोड़े से डिस्काउंट में ही मिली थी ये, और लिंक वगैरह मैं सारा कुछ दे दूंगी। तो 4 ml इसकी क्वांटिटी है एंड शेड इसका मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और ये मैट लिपस्टिक इसका फॉर्मुलेशन है, स्टेइंग पावर इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेंज की लिपस्टिक है, लॉन्जरी कलेक्शन वाला रेंज बहुत अच्छा है निक्स का। बट मैंने ये भी पढ़ा है कि ये बहुत ड्राई आउट कर देती है आपके लिप्स, सो मेक श्योर टू प्रेप योर लिप्स। सो ऐसे इसकी पैकेजिंग है, लेट मी शो यू द शेड कि इसका शेड कैसा है। सो इट काइंड ऑफ आई कैन से
पीचिश सा कलर है, ऑरेंजिश म्यूटेड ऑरेंज सा कलर है, मतलब पीच साइड में, तो आप इसको एज अ न्यूड कलर यूज कर सकते हैं, इतना प्यारा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो ज्यादातर कलेक्शन है वो न्यूड ही है एक्सेप्ट दिस वन मेबेलिन वाला। तो मैं मोस्टली न्यूड कलेक्शन खरीदती रहती हूँ लिपस्टिक्स के, तो ये वाला भी बहुत अच्छा कलर है और बहुत लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, बट देन ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू कि आपके लिप्स को भी ड्राई आउट करेगा, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से लिप्स को प्रेप करें। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लिपस्टिक, इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, ये कलेक्शन बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मैट लिप क्रीम तो इसका बेस्ट कलेक्शन है ही। तो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, दिस वन इज लॉरियल पेरिस की रूज सिग्नेचर लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये जो शेड है आई एक्सप्लोर शेड है, लेट मी शो यू, आई एक्सप्लोर शेड है, एंड द नेक्स्ट शेड इज आई अमेज 130। सो आई एक्सप्लोर एंड आई अमेज दो मैंने दोनों शेड लिए हैं। इसके साथ एक ऑफर था लॉरियल के साथ कि अगर आप 1100 या 1200 में कुछ ले रहे हैं तो आपको ये लॉरियल पेरिस का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज वाटर प्रूफ ये मस्कारा फ्री मिलेगा। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं नायका की वेबसाइट में और मुझे ये अच्छा लगा ऑफर कि दो के साथ आपको ये मस्कारा भी मिल जाएगा और मुझे मस्कारा लेना भी था। एंड इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं अभी आपको लिपस्टिक्स के बारे में ही बताती हूँ। सो जो फर्स्ट लिपस्टिक है वो है आई एक्सप्लोर, इसकी पैकेजिंग मुझे सबसे अच्छी लगी, काइंड ऑफ सबसे अच्छी पैकेजिंग बाकी लिपस्टिक से भी, ऐसे नीचे से जाके बहुत ज्यादा कोन सी पैकेजिंग है इसकी, एंड यहाँ पे गोल्डन पे ऐसे लॉरियल पेरिस लिखा हुआ है जो कि बहुत रॉयल सी फीलिंग लग रही है। ब्लैक कलर का कैप है सिंपल, जो शेड है ये वाला ये न्यूड ब्राउन शेड है, तो आप देखेंगे कि सो जो लैक्मी की लिपस्टिक थी सेकंड नंबर की उसी जैसा शेड है ये, बट एज यू कैन सी स्वैप में भी, ये एक स्वैप में आपको अच्छी पिगमेंटेशन नहीं देगा, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा है ये, शेयर आप बोल सकते हैं पिगमेंटेशन है, तो आपको दो स्वैप करने पड़ेंगे, बट ऑन द सेकेंड साइड ऑन द ब्राइटर साइड ये बहुत लाइट वेटेड है, वो आपके लिप्स से बिल्कुल भी लिक्विड मैट जैसा हैवी नहीं लगेगा, ड्राई नहीं करेगा आपके लिप्स को। सो ये काफी लोगों ने इसका ये रिव्यू डाला था कि ये इतना ज्यादा लाइट वेटेड है कि पता नहीं चलता आपने लिप पे लगाया है, और मुझे सीरियस और ये ड्राई आउट हो जाता है अराउंड 30-40 सेकेंड्स में, एंड उसके बाद अगर आपका लाइट कलर ऐसे न्यूड ब्राउन है, लाइट है थोड़ा, तो आप दो बार स्वैप करके लगा सकते हैं, डोंट थिंक सो उसमें कोई इशू है बिकॉज ये लाइट ब्राउन शेड है। मुझे शेड में लैक्मे वाला ज्यादा अच्छा लगा, बट ये भी बहुत अच्छा शेड है, सो अगर आप ब्राउन में कोई न्यूड शेड देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है इसका, बहुत लाइट वेट है, लिक्विड मैट जैसा, बहुत ड्राई आउट नहीं करता है लिप्स को, एंड अगर आपके मेरे जैसे प्रॉब्लमेटिक लिप्स हैं जो कि बहुत जल्दी ड्राई होते हैं तो आपको जरूरी ऐसे लिपस्टिक लेनी चाहिए। तो जो उसका नेक्स्ट शेड है वो है आई अमेज, एंड दिस वन इज काइंड ऑफ आई नो दिस शेड बिकॉज बर्नट ऑरेंज मेरा फेवरेट है, ये बर्नट ऑरेंज शेड है एंड आई लव बर्नट ऑरेंज शेड, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अच्छा लगता है बर्नट ऑरेंज, बिकॉज अगर आपने कुछ भी मेकअप नहीं किया ना और आपने ऐसा शेड लगा लिया तो आपका फेस इमीडिएटली पॉपअप हो जाता है, इमीडिएटली बहुत अच्छा सा एक शाइन दे देता है, तो इसलिए मुझे बर्नट ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल ऑरेंज से, और बहुत प्यारा शेड है ये, न्यूड वाले से ज्यादा पिगमेंटेड लग रहा है, बट इसको भी आपको दो स्वैप लगाना पड़ेगा अगर आप अपना डिजायर्ड शेड चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड कलर चाहते हैं, नॉट शेड सॉरी डिजायर्ड कलर चाहते हैं, तो आपको दो पिगमेंट दो स्वैप मारने होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। सो ये था मेरा लिपस्टिक हॉल, सारे प्रोडक्ट का प्राइस मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे, और लिंक्स भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसे खरीद सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो मैं हमेशा इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो या गाइस, बाय बाय।